मेरा खाता चेक कर सकते हैं आप, एक खाता मेरा यूको बैंक का है, एक खाता मेरा SBI का है और एक कंपनी का खाता है, तीन खाते हैं, तीनों आप चेक कर सकते हैं कहाँ से पैसा है कहाँ से गया, खुली किताब है। मैं तो पूर्व मंत्री को ये कहूँगा कि विकास के इतने कार्य हो रहे हैं तो आप, हम एक मंच पे आके आप मेरे से बात कर सकते हैं और विकास की बात करते हैं बजाय इसके अनाप शनाप बातें करने का। अपने कार्यकाल में तो उनका कोई तरक्की के ऐसे कोई विकास कार्य नहीं हुए और अब कार्य शुरू हुआ है तो उनको आके, और मैं ही इज माई कॉन्स्टिट्यूएंट, मैं चुना हुआ विधायक हूँ, तो वो आके बताएं मुझे जो भी दिक्कत तो है वो करें। 10% आप कमीशन लेते हैं कोई भी काम करवाते हैं तो उस पे 10% पे एडमिशन आप 10% कैसे फिक्स होगा? मुझे मालूम हुआ ये, मैं RP रूरल प्लानिंग कमेटी के दौरे पे था 3 प्रदेशों के, तो मुझे फोन आया, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने बताया था, तो उसका हमने नोटिस जारी कर दिया मानहानि इज्जत का जो करा उन्होंने। 10% हो 15% हो उसमें कोई तथ्य है या नहीं है वो बताएं। अब कहने को तो उस समय भी कहते थे जब ये मंत्री थे कि 22-23% लेते हैं, सब मिल बांट के खाते हैं, और ये आरोप मेरे ऊपर नहीं है, ये आरोप वो सीधा हमारे कर्मचारी अधिकारियों पे HODs पे लगा रहे हैं। 16-17 विभाग है हमारे, अगर परसेंटेज आती होगी या उनके समय में आती थी, इसका मतलब कि वो नीचे से सारे कागज़ वो जाली बना के ऊपर HODs पास कर रहे हैं उसको, मेरे हाथ में तो कलम है नहीं। हाँ मंत्री के हाथ में होता होगा, उनके पास 6-7 विभाग रहे हैं तो उन, मुझे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये भी बता रहे थे कुछ RTI फाइल कर रहे हो, तो मैंने कहा हाँ उनको कह दो आप RTI फाइल कर रहे हैं अगर, तो आप अपने जो जो विभाग रहे हैं आपके 15 साल आप मंत्री रहे, जो जो विभाग रहे 5-6-7 उसकी भी RTI फाइल करो, उसको भी खंगालो सारे, लाहौल स्पीति उनके पास भी रहा है उसको भी RTI लगाओ, क्या क्या कार्य कब कब हुए हैं। मैंने तो देखो, मैंने तो उनका ये देखा है कि वो दरकिनार करते हैं जो भी नियम होते हैं। नियम का मेरा मतलब है कि 2017 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, तो चुनाव जब फैसला हो रहा था तो मुझे एक चुनाव में खड़े थे हमारे CPI से सुदर्शन जसपा, उन्होंने आके मुझसे कहा कि आप फाइल कर दो बोला एफिडेविट, रॉन्ग एफिडेविट फाइल करने का उनके ऊपर मुकदमा। मैंने कहा क्यों? बोलते इसमें तो उनकी प्रॉपर्टी की लिस्ट ही नहीं है, जबकि उनके पास अतः प्रॉपर्टीज है, बोला शिमला में भी है, कई जगह है, कुल्लू में है, अपना शमशी में है, नगर में है, कोई और भी कई जगह बताई, पता नहीं रामपुर में बता रहे थे कहाँ कहाँ। तो मैंने 2017 में जो फाइल करा था, फाइलिंग ऑफ रॉन्ग एफिडेविट मुकदमा उच्च न्यायालय में, 6 महीने तो उनको सिर्फ समन लेने में लग गए, जबकि मंत्री का मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है, तो जाके समन अगर अवॉइड ना करें तो एकदम डिलीवर होना चाहिए वो, और 6 महीने बाद भी जैसे कोई ऑफेंडर होता है ना, हैबिचुअल ऑफेंडर, चोर उचक्का या गली कूचे में पकड़ के उनको हाथ में पकड़ाते हैं जाके, उस तरह से देना पड़ा समन। ये नहीं कि भेज दिया तो उन्होंने ले लिया, जाके भाई ये वो व्यक्ति है इसके हाथ में दो, तो ये तरीका अख्तियार कर रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो कितना अवॉइड करते हैं। अभी तक 6 साल होने जा रहे हैं, अभी तक मुझे जवाब नहीं आया कि प्रॉपर्टी की डिटेल्स क्या थी आपकी, फाइलिंग ऑफ रॉन्ग एफिडेविट का जवाब नहीं आया, हाई कोर्ट में अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ मामला। मानहानि का दावा करने वाले, मानहानि का तो मैंने नोटिस के लिए बोल दिया वकील को, वो देख रहे हैं उसमें क्या क्या तथ्य है और उस हिसाब से करेंगे मानहानि का दावा। मैं अभी तो नोटिस निकालेंगे, उनका जवाब आएगा फिर करेंगे ना उसका, अब क्या ये तरीका प्रोसेस उसके हिसाब से होगा ये। मंत्री ने ये भी आरोप लगाए थे।